रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। पुतला दहन रायसेन। रायसेन जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भोपाल सागर चौराहे पर नारेबाजी करते हुए पुलिस के सामने ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया गया। रतलाम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों को पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया, जिसके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दो पुतले अलग अलग जगह पर जलाए गए, जिसमें एक डमी तथा एक कमलनाथ का पुतला बताया गया। परिषद का आरोप है कि रतलाम में विद्यार्थी परिषद के सदस्यों द्वारा छात्रों की मारपीट अनावश्यक की गई थी, उसके विरोध में पुतला जलाकर प्रदर्शित किया गया। पुलिस ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाने के बाद पानी डालकर पुतले को बुझाने की कवायद शुरू की। रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। पुतला दहन कमलनाथ सरकार का किया है। जब से कमलनाथ सरकार आई है, ये प्रशासन बेकाबू हो गया है। छात्रों पर इतने अत्यधिक तरीके से लाठीचार्ज किया, उन्हें मारा गया। रतलाम में एसपी साहब के होते हुए हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने ज्ञापन दिया उन छात्रों को। उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना उन पर अभी तक कोई केस दर्ज हुआ, जिन लोगों ने जिन पुलिसकर्मियों ने छात्रों को मारा है, इसलिए हम लोगों ने पुतला दहन किया है पूरे प्रदेश में पुतला दहन। गोटे गांव से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। रक्षक ही निकला भक्षक, खादी वर्दी को किया शर्मसार, नरसिंहपुर छठवीं बटालियन का कुक निकला आरोपी। बीते दिवस 5.5 वर्षीय बालक को अगवा कर उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की उम्र करीब 35 वर्ष है। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी की मॉनिटरिंग में पुलिस टीम ने आरोपी को धर दबोचा। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी ने बताया कि आरोपी संतोष विशेष शस्त्र बल की 6वीं बटालियन में कार्यरत है तथा करीब 1 वर्ष से नरसिंहपुर में पदस्थ था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के ड्राइवर आर राजकुमार और गनमैन आर विक्रम ने पहचान की, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें सच कबूल करते हुए घटना को अंजाम देना कबूला। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी अत्यधिक शराब का सेवन करता है और नशे की हालत में उसने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। गोटेगांव से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। मामला जो 25 तारीख की सुबह को हुआ, 5 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला, इसमें फुटेज प्राप्त किए गए, पूरी पुलिस टीम इसमें कार्रवाई के लिए लग गई, अलग अलग टीमें गठित की गई पतासाजी के लिए। फुटेज को अध्ययन किया गया। फुटेज को अध्ययन करने के बाद एक महत्वपूर्ण सूचना 2 आरक्षक हमारे राजकुमार और विक्रांत जाट इनसे प्राप्त हुई कि ये आरोपी जो पहचाना हुआ है और इसका ये एक कुक है, ये कुक जो है ये नरसिंहपुर में पदस्थ है, इसको बुलाकर हमारे द्वारा स्वयं पूछताछ की गई और इससे जो फुटेज है उसका उसके बारे में पूछा गया, दिखाया गया। शुरू में अनभिज्ञता जाहिर की गई, पर उसके बाद गहन पूछताछ के बाद इसने अपना अपराध स्वीकार किया और अपने अपराध में जो इसके जो इसने कपड़े पहने हुए थे उनको भी जब्त किया गया। बारासिमनी से हमारे संवाददाता आनंद वर्मा की रिपोर्ट। दुर्घटना में 1 की मौत, 1 घायल। बालाघाट सड़क मार्ग पर ग्राम डगरिया में स्थित आरटीओ कार्यालय के सामने कुछ दिन पहले एक 4-पहिया वाहन ने एक्टिवा चालक को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक्टिवा चालक विनय पारदी की घटना स्थल पर मौत हो गई थी। वहीं उसका साथी घायल हो गया था। घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया। रात में दोनों एक्टिवा वाहन से बारासिमनी की ओर आ रहे थे, जब डोंगरिया के पास बने आरटीओ कार्यालय के सामने बारासिमनी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार 4-पहिया वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिससे विनय की घटना स्थल पर मौत हो गई थी और 1 घायल हो गया था। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर गजवीर को चिचोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र बाबने की रिपोर्ट। चिचोली के नजीराबाद में 50 जोड़ों का विवाह हुआ, जनपद अध्यक्ष और सदस्यगण उठकर भागे। बैतूल जिले के जनपद पंचायत द्वारा शासन द्वारा गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कराने के शासन की मनसानुरूप 51,000 रुपए की सहायता कन्या को दी जानी है, जिसमें ब्लॉक के पाटाखेड़ा में 25 जून को विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी और 27 जून को नजीराबाद में आयोजित किए गए, जिसमें आए 502 जोड़े में मात्र 50 जोड़ों का विवाह हुआ। एक मुस्लिम जोड़े का भी निकाह किया गया। 51,000 का मेहर बांधकर रजा खान ने कराई आदिवासी विकास संगठन डोमा सिंह नरेश राय ने
कहा कि पात्र कल तक 27 जोड़े थे, यहां 50 जोड़े कैसे रातों रात हो गए, इस पर से विवाद हो गया था। चिचोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र बाबनी की रिपोर्ट।